फ्रेंड्स, हमारा देश त्योहारों का देश माना जाता है क्योंकि यहाँ साल भर में कई त्योहार मनाए जाते हैं। और भारत देश में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं सभी के पीछे एक इतिहास जुड़ा होता है और ये सभी त्योहार सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। ऐसे ही एक और दिन है जो वैलेंटाइन डे के नाम से मनाया जाता है। इस दिन को हम प्यार का दिन कहते हैं और हर साल के फरवरी माह को प्यार का महीना कहते हैं। वैसे तो यह विदेशी त्योहार है लेकिन भारत देश में भी ये त्योहार अब मनाया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं? शायद आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी। तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको बताते हैं। वैलेंटाइन डे एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिसका नाम था वैलेंटाइन। इस प्यार के दिन की कहानी प्यार से नहीं बल्कि एक दुष्ट राजा और कृपालु संत वैलेंटाइन के बीच की कहानी है। रोम के राजा का ये मानना था कि एक अकेला सिपाही ज्यादा अच्छा सिपाही बन सकता है। राजा का मानना था कि प्यार से मर्दों की बुद्धि और पावर दोनों कम हो जाती है क्योंकि शादीशुदा सिपाही को हर वक्त बस इसी बात की चिंता लगी रहती है कि अगर उसको कुछ हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा और वो जंग में अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए राजा ने ऐलान किया कि कोई शादी नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इससे सभी दुखी थे लेकिन रोम के संत वैलेंटाइन को ये नाइंसाफी बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इसलिए उन्होंने कई युवा की मदद की और उनकी शादी कराई। राजा को जब इस बात का पता चला तो संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी के दिन फांसी की सजा दे दी। संत वैलेंटाइन ने अपना जीवन प्यार करने वालों के लिए कुर्बान कर दिया। उनकी इस कुर्बानी के लिए इस दिन को वैलेंटाइन डे प्यार के दिन के रूप में मनाने लगे। पूरी दुनिया उनकी कुर्बानी को याद करती है और इस दिन को सेलिब्रेट करती है। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।